पसंद आया, बस हम उसी से खुश हैं क्योंकि लोगों को एंटरटेन करना ही हमारा काम है और दो साल से सब कुछ बंद था, सब कुछ एकदम पैकअप था, तो उसके वहाँ से निकले, लोग भी बाहर निकले, फिर से सुनाई दे रहा है कोविड कोविड दूर दूर, बस हम बस ये चाहते कि इंडिया में ना आए और थोड़ा सा लॉ थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाए कि बाहर से आने जाने को अच्छे से स्क्रीनिंग हो और हम लोग ऐसे ही हर साल पार्टी मना सकें। अब एक्चुअली बहुत कुछ हो सकता है, मतलब सिर्फ फिलहाल सब कुछ मेरे मन में है और लोगों के मन में आता है, सब बात करने से किसी ने सुन लिया तो ऐसा हो भी सकता है, पर अब तक तो मैं हाइबरनेशन में थी, कुछ काम नहीं कर रही थी, मतलब घर के बाहर। होपफुली एवरीथिंग जस्ट फॉल्स इनटू प्लेस। मैंने भी उनके बारे में बहुत सुना हर तरफ और उनकी काफ़ी सारे वीडियोस देखे और मैं ऐसी हूँ कि मुझे ना सब कुछ जानना है। अभी थोड़े टाइम पहले पिछले साल मैंने एक एनिमल कम्युनिकेटर से बात की थी, मैंने अपने डॉग्स से बात किया था और उससे एक्चुअली मुझे तो बहुत मदद तो मिल ही गई। उस वीडियो को देख के बहुत सारे लोगों को मदद मिली और आज भी लोग पूछते उनका नाम, तो आज मैं इनके पास आई हूँ और वो भी मैं एक्चुअली शूट भी करूँगी और मैं मेरे चैनल में डालूँगी, बिकॉज एक तो मुझे भी जानना है कि अभी एक्चुअली मेरी ज़िंदगी का एक नया फेज स्टार्ट हुआ है तो वो कैसा होगा और एग्जैक्टली हाउ इट इज़। और आई थिंक मैं बहुत साल के बाद एक टैरो रीडिंग कराऊंगी, इससे पहले कैलकटा में कराया था जब बॉम्बे आने से पहले, और मैं इसमें काफ़ी बिलीव करती हूँ, तो आज ये रीडिंग कराने के बाद होपफुली आई विल गेट अ लॉट ऑफ क्लैरिटी। उनकी ज़िंदगी में क्या रहा होगा एग्जैक्टली नोबडी नोज, बट इतना ही कहूँगी कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट हाइज एंड लोज। आप जब बहुत खुश होते हो तभी भी आप इतना मतलब ना उड़ो कि यू नो थिंकिंग दैट देयर इज़ नो टुमारो, बिकॉज टुमारो यू माइट अगेन सी अ लो फेज। और सिमिलरली जब आप लो फेज में चलते हो ये मत सोचो कि यही ज़िंदगी है, मेरी ज़िंदगी तो ख़त्म हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है, बिकॉज देयर इज़ अ हाई फेज अगेन, बिकॉज ऐसे ही एक फ्रीक्वेंसी में चलता है। तो इस चीज़ को अगर दिमाग में बिठा लेना तो अक्सर ऐसा होता है कि मतलब हम भी बहुत ऐसा लगता है कि भगवान हमारे साथ ही क्यों, बट देन द फेज गोज अवे, सो जस्ट इट्स ऑल अबाउट होल्ड ऑन फॉर अ लिटिल बिट मोर। मुझे तो लगता है प्रियंका शालिन का, तो मुझे लगता है हर एपिसोड खोलती हूँ तो शालिन को या तो डांट पड़ रही होती है या उसकी तारीफ हुई हो रही होती है, तो जैसे भी हो वो हमेशा न्यूज़ में होता है, बिग बॉस खोलते ही वो दिखता है, तो वो तो होगा। और तीसरा आई एम नॉट श्योर, मे बी शिव, मे बी या मे बी शिव, कैसा लव चालू है मुझे नहीं पता, पर ये है कि दोनों को ही मैं जानती हूँ और इसलिए मैं इतना भी नहीं जानती हूँ कि मतलब एग्जैक्टली उन लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है। एक्चुअली दोनों, मुझे ऐसा लग रहा है दोनों को प्यार हो रहा है, लेकिन दोनों बहुत कैमरा कॉन्शियस होकर फिर सोच रहे हैं कि लोग क्या सोचेंगे और फिर दूर चले जा रहे हैं, तो थोड़ी कंफ्यूज है। तो बिग बॉस का घर में बहुत कम लोगों की लव स्टोरी प्योरली शुरू हो पाती है, बाहर आने के बाद अगर दोनों एक दूसरे को प्रॉपरली मिले और शुरू हो तो मुझे लगता है अच्छा लगेगा, पर मैं क्योंकि दोनों को जानती हूँ तो इसीलिए मैं अलग से कुछ बताना नहीं चाहूँगी। मुझे लग रहा है बहुत थोड़ा कन्फ्यूज है, ये कहूँगी कि मैं भी उनसे उतना ही ज़्यादा प्यार करती हूँ और हमेशा सोचती हूँ कि ऐसा क्या करूँ मैं, ऐसा क्या दिखाऊँ जो उन लोगों के लिए मददगारी होएगा इन माय चैनल। और रही बात एक्टिंग की, डांस की, वैसे करके तो ऑब्वियसली एंटरटेन करने की हमेशा कोशिश करती हूँ। बीच में थोड़ा सा ब्रेक हुआ था, आई विल बी राइट बैक।